पर आपका नाम इन सब चीज़ों पदों पर तमाम बड़े पदों पर चलता रहता है और कई बार भ्रांतियाँ सी भी आती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अशोकनगर के चंदेरी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हुए भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल, सैकड़ों कार्यकर्ता हुए उपस्थित। मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता एक परिवार की तरह है और उनसे मिलने से वे अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंत्री प्रहलाद पटेल जी के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन था, एक बहुत बड़ी संख्या में, एक जबरदस्त कार्यकर्ता सम्मेलन अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में हुआ है। तो कार्यकर्ता सम्मेलनों के लगातार दौरे चल रहे हैं आपके और पूरे मध्य प्रदेश में दौरे चल रहे हैं, कई बार बीच बीच में आपका बड़ी जिम्मेदारी को लेकर नाम भी सामने आता है, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार है संगठनात्मक ढांचा, और ऐसे संगठनात्मक ढांचे के चुनाव के पहले हमारे कार्यकर्ता की सक्रियता ही हमारी ताकत है। हमारी विचारधारा बड़ी है, हमारे विकास का मॉडल बड़ा है, लेकिन जो बूथ पर हमारी सामर्थ्य वो हमारा कार्यकर्ता है। और इसलिए हर चुनाव के पहले विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता इकट्ठा होता है, और हमारा कार्यकर्ता संतोषी कार्यकर्ता है। उसको पता है कि अब बरसात के बाद में अचाचता लग जाएगी, अब काम नहीं होना है। जब एक ही काम होना है, वो पार्टी का काम होना है। दूसरी बात है, जो सबसे अहम बात है, जो कार्यकर्ता की पूंजी है, आप कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, उसके कार्यकर्ता से पूछोगे कि तुम्हारे राजनीति का लक्ष्य क्या है, तो वो सत्ता ही बताएगा। हमारे कार्यकर्ता से पूछोगे तो वो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा तो भी कहेगा चुनाव तो लड़ना हमारा कर्तव्य है, लेकिन राम जन्मभूमि का मंदिर बने थे हमारा लक्ष्य है, धारा 370 हटे, हर घर तक पानी पहुँचे, हर आदमी के ऊपर एक कमरे की पक्की छत हो, जो बातें आज प्रधानमंत्री की नीतियाँ हों या शिवराज जी की नीतियाँ हों, वो हमारा कार्यकर्ता बिना पुस्तक पढ़े कहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका काम क्या है। तो मुझे लगता है ये वैचारिक अधिष्ठान की पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ता का उत्साह है, और बस हम मिलते हैं परिवार के भाव से, वो भी खुश होता है, हम भी खुश होते हैं, और वो आनंद आपने देखा होगा। आप और आपका नाम प्रदेश अध्यक्ष और इन सब चीज़ों पदों पर, तमाम बड़े पदों पर चलता रहता है और कई बार भ्रांतियाँ सी भी आती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, प्रहलाद पटेल कुछ भी बन सकते हैं, ये भाजपा में हो सकता है, इसलिए इसके लिए परेशान आप लोगों को नहीं होना चाहिए।